नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। मैं हूं आवरण विजय और आप देख रहे हैं टुडे बिहार न्यूज। यहां आपको मिलेगा क्राइम, मनोरंजन, खेल व धर्म से जुड़ी हुई रोचक खबरें और साथ ही मिलेगा आपको फिल्मी सितारों से लाइव चैट करने का मौका। तो टुडे बिहार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंच सके कि क्या है आपके लिए खास। तो देखते रहिए टुडे बिहार। कहते हैं डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं, लेकिन बेगूसराय में एक डॉक्टर ने चंद रुपयों के चलते एक बच्चे को बंधक बनाकर भगवान शब्द को ही कलंकित कर दिया। इतना ही नहीं, डॉक्टर की फीस जमा करने के लिए ममता की मारी माँ को दर दर ठोकर खानी पड़ी तथा लोगों से भीख तक मांगना पड़ा। लेकिन जब भीख से भी डॉक्टर की फीस पूरी नहीं हुई, तब पीड़ित माँ ने ममता की रिहाई के लिए जिला प्रशासन के समक्ष आंचल फहराया। उसके बाद प्रशासन के पहल से बच्चे की रिहाई हो सकी। दरअसल समस्तीपुर जिले के नरहन की रहने वाली रिंकू देवी के नवजात बच्चे को निमोनिया टाइफाइड हो गया था। अपने बच्चे की स्थिति में सुधार ना होने के बाद रिंकू देवी ने बेगूसराय के शिशु रोग विशेषज्ञ संजय कुमार के यहां बच्चे को भर्ती कराया, जहां तकरीबन 7 दिनों के बाद बच्चे की हालत में सुधार हो पाई। लेकिन इस दौरान डॉक्टर साहब का बिल भी कुंभकर्णी नींद की तरह बढ़कर 23,500 हो गए। लेकिन महिला ने अपनी गरीबी की दुहाई देकर डॉक्टर से बिल की रकम कम करने की अपील की। इस बात से नाराज डॉक्टर साहब ने बच्चे को बंधक बना लिया तथा मां से कहीं से भी पैसे लाने का आदेश दे दिए। थक हाकर महिला ने समस्तीपुर में जाकर भिक्षाटन की, लेकिन इतना करने के बावजूद भी महज 2,000 रुपये ही महिला को प्राप्त हो सके और डॉक्टर ने पूरी रकम के बगैर बच्चे को वापस करने से इनकार कर दिया। जब पैसे के लिए डॉक्टर साहब ने बच्चे की रिहाई से इनकार कर दिया, तब थक हार कर परिजनों ने बेगूसराय के डीएम राहुल कुमार से बच्चे की रिहाई की गुहार लगाई। मामले को सुन जिला प्रशासन भी सकते में रह गई और राहुल कुमार ने मानवता दिखाते हुए तुरंत बेगूसराय के सदर एसडीएम संजीव कुमार को हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया। डॉक्टर के द्वारा बच्चे को बंधक बनाने की बात को सुनकर एसडीएम संजीव चौधरी के द्वारा इस मामले में पहल की गई तथा डॉक्टर को मानवता धर्म की याद दिलाई गई। काफी आनाकानी और जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद डॉक्टर संजय कुमार ने बच्चे को मुक्त किया और अब अपने जिगर के टुकड़े को पाकर मां जिला प्रशासन को धन्यवाद दे रही है तथा बच्चे को पाकर एक मां की चेहरे पर खोई हुई खुशी वापस आ गई है। हरे रामदास, टुडे बिहार न्यूज, बेगूसराय। पैसा नहीं रहे, बहुत पैसा हो गया, इलाज नहीं छोड़ेगा। डीएम पास गई, अच्छा। डीएम गई है तो तब छोड़ी, पैसा चलते पकड़ के ये मामला प्रकाश में आया था हम लोग के पास। सबसे पहले ये जो महिला थी वो नरहन समस्तीपुर की जाने वाली थी। इसमें उन्होंने डीएम सर के पास जाके बताया था कि उनका बच्चा वहाँ, कोई संजय कुमार डॉक्टर हैं, उनके यहाँ जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उनके यहाँ भर्ती था लगभग 1 महीने से, और उसका कुछ इलाज को लेकर के पैसा पकड़ा था लगभग 23,000 के आसपास, तो उसको लेकर के बच्चे को नहीं छोड़ा जा रहा था, उस महिला का जो कहना था। फिर डीएम सर उनसे बात की और फिर उन्होंने कहा कि इस मामले को देखिए और समस्या का, तो हमने डॉक्टर साहब से बात की और उन्होंने बताया कि कुछ पैसा बाकी है मेरा। लेकिन हमने कहा कि मानवीय आधार ये भी होता है कि किसी बच्चे को यदि किसी के पास पैसा नहीं हो तो वो नहीं छोड़ा जाए। और फिर हम लोगों ने अपने उनसे बात करके अपने स्टाफ को भेजा और उस बच्चे को माता के लिए सपोर्ट किया गया और फिर हमसे मिली तो खुशी खुशी यहाँ से गई। बच्चा अपनी माँ के पास चला गया, ले लिया गया बच्चा को, माँ को उसका बच्चा मिल गया और वो खुशी निकल गए यहाँ से अपने घर नरहन जो समस्तीपुर में पड़ता है।